हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय की क्रिएडिक्शन। सो आज हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे और व्हिपिंग क्रीम से बनाएंगे स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम। सो यहाँ पे मैंने बोल में लिया है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको मैं हटा रहा हूँ। एक बात याद रखनी है आपको कि व्हिपिंग क्रीम आपको एकदम चिल्ड लेना है और उसके अगर क्रिस्टल्स हैं तो उसको पहले स्पून से ही हटा दो। और जैसे कि मेरी सब्सक्राइबर हैं कर्ली विश, उन्होंने बोला था कि मुझे फिलिप्स के 300 वॉट के बीटर से क्रीम बीट करके दिखाओ। सो ये आपके लिए है। मैंने यहाँ पे क्रीम को बीट करना शुरू कर दिया है। पहले मैंने स्पीड 1 पे रखा है और मैं धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ा रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे मेरे को ग्रेजुअली उसका स्पीड 5 पे लेके जाना है। 5 के बाद उसको टर्बो पे लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो उसकी लेवल अभी 5th पे है और उसको अराउंड एंड अराउंड आधा कप क्रीम को बीट होने में मेरे को 7-8 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता। अभी मैं बीटर को रोक दूंगा। बीटर को रोकने के बाद जो क्रीम उसकी साइड पे गई है, अभी देखो ये क्रीम सिर्फ डबल हुई है और जो उसके साइड पे गई है, जब ये डबल हो जाती है और थोड़ी स्टिफ हो जाती है अराउंड, मतलब समझो जब सॉफ्ट पीक्स इसके आ जाते हैं, उस टाइम पे आपको आपका स्पैचुला लेना है और इसके साइड्स को स्क्रेप करके बीच पे लेके आना है। जैसे कि अब मैं करूँगा, देखो ये सॉफ्ट पीक आ गया, पीक उठ के बेंड हो जा रहा है, तो इसके जो साइड्स पे अनविप्ड क्रीम है वो पूरी आपको लेके सेंटर में लेनी है और एक हार्डली इसको 2-3 मिनट के लिए बीटर को चलाना है टर्बो स्पीड पे और आपकी क्रीम एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाएगी। सो ये 300 वॉट का बीटर है मेरा। सो ऐसी मतलब इससे भी क्रीम जल्दी बीट हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है आपकी क्रीम की क्वांटिटी के ऊपर, अगर ज़्यादा होती है तो उसको टाइम भी लगता है कभी कभी। और इसको अब मैं निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, हाई स्पीड पे चला के बस उसको खींच दे रहा हूँ। सो स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम, स्ट्रॉबेरी पल्प, स्ट्रॉबेरी के पीसेस और आइसक्रीम। सो यहाँ पे एक बोल में मैं ये व्हिपिंग क्रीम लूँगा, जितनी आपको डिज़ायर्ड है। अगर आपको क्रीम ज़्यादा चाहिए, व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा चाहिए तो आप व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा रखो, आइसक्रीम ज़्यादा चाहिए तो आइसक्रीम ज़्यादा रखो, डिपेंड करता है आपके ऊपर टोटली। जस्ट मैं इसको लेके बोल में बीट कर रहा हूँ हल्की से स्पैचुला से और अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी के पीसेस डालूंगा और स्ट्रॉबेरी का पल्प डालूंगा, प्यूरी डालूंगा, जो भी आप डालो। अगर आप मैप्रो का क्रश है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हो और जस्ट इसको मिक्स कर दो। बीटिंग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जस्ट ये मिक्सर ग्राइंडर के जैसा ही होता है। मिक्सर ग्राइंडर आपका अगर हाई पावर वाला होता है तो आपका काम थोड़ा ईजी हो जाता है, कम पावर वाला होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। बस इसके हुक्स जो है वो ब्रॉड होने चाहिए बीटर मशीन के, तो आपकी क्रीम जल्दी बीट हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पास 400 पावर वाला भी नैरो हुक वाला मशीन है जिससे क्रीम बिल्कुल भी बीट नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट रह जाती है। अब देखो ये स्ट्रॉबेरी के साथ मैंने क्रीम मिक्स कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये डिज़ाइनर कप है और ये बोल है, आप दोनों में से किसी में भी सर्व कर सकते हो। बस एक टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी इसको सर्व करो बहुत छोटी सर्विंग में सर्व करो क्योंकि बहुत मीठा होता है तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग और हैवी भी हो जाता है व्हिपिंग क्रीम की वजह से। और यहाँ पे मैंने लिया है N2 का नोजल जिसको मैं पाइपिंग बैग में फिक्स कर रहा हूँ और पाइपिंग बैग को मैं एक ग्लास के ऊपर चढ़ा दे, दैट्स इट। और उसमें अब मैं क्रीम को फिल करूँगा जो हमारी स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम थी जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी प्यूरी मिक्स किया। मैंने यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी का ही प्यूरी लिया है और जस्ट इसको पाइपिंग बैग को हम हल्के से रोल आउट कर देंगे ऊपर तक, ठीक है। अब एक वही कप लेंगे या आपका जो भी सर्विंग के लिए हो डिश या बोल वगैरह कुछ भी आप लो, और उसमें सबसे पहले हम बेस में डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। अभी आपको चाहिए तो आप साइड्स पे लगा सकते हो, आपको चाहिए तो आप ऐसे उसका एक छोटा सा बेस बना सकते हो नीचे। और मैं यहाँ पे क्रीम फिल कर रहा हूँ, क्रीम आप कैसे भी फिल करो, ये जार डेजर्ट्स ऐसे बनते हैं तो मैंने सोचा ऐसे बनाता हूँ। और अब मेरे को स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम में ना आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू क्रीम, सो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम का 1.5 स्कूप डाला है, 1.5 बड़ा स्कूप डाला है। सो इतनी आइसक्रीम डालने के बाद मैं उसको स्पून से हल्के हल्के से प्रेस कर रहा हूँ कि जैसे कि वो लेवल हो जाए, और ऊपर से मैं वापस से एक और क्रीम का लेयर दे दूंगा, दैट्स इट। ये टोटली लेयरिंग का खेल है। अगर आपको जो लेयर ज़्यादा चाहिए, आपको बीच में स्ट्रॉबेरीज का लेयर चाहिए तो आप बीच में स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हो, नहीं चाहिए आप नहीं डाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पे कुछ वापस से वही स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम से इसके स्टार्स बना दिए ऊपर से कुछ स्ट्रॉबेरीज डाल दी और जस्ट इसको थोड़ा ठंडा करके सर्व कर दो। और एक ड्रिजल किया मैंने स्ट्रॉबेरी प्यूरी को, फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरी को स्पून से ड्रिजल किया। सो टोटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है आप कैसे इसको सर्व करना चाहते हो। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो,
और अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।